बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद उमर फारूक और फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर। चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और टॉपिक हमारा है चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकेंड ईयर। दो वर्ड से ये बना हुआ है, अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, क्या मतलब है चार्ज मतलब है, और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। ठीक है, तो फिर डिफिनेशन आप लोग इस तरह लिखते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि द स्टडी ऑफ चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज एट स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या लिखोगे, द स्टडी ऑफ चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रॉपर्टीज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय चार्ज, इस चार्ज की कौन से प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। डिफिनीशन याद करना इंतहाई सिंपल है, लेकिन इस पे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज पे, कि चार्ज क्या है। क्योंकि एक मरतबा आप लोग चार्ज पे समझ गए तो पूरी फिजिक्स में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पूरी सेकेंड ईयर फिजिक्स में आप हर एक टॉपिक में चार्ज के बारे में पढ़ते हो। चार्ज इस तरह होता है, चार्ज उस तरह होता है, चार्ज इस डायरेक्शन में गया, चार्ज इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय चार्ज, आप लोगों से पूछता हूं चार्ज किसे कहते हैं। शाबाश, जो जहन में है वो जल्दी से अपने साथ ही दोहराए कि हाँ चार्ज ये है। कोई कहेगा पॉजिटिव चार्ज, कोई कहेगा नेगेटिव चार्ज, कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन, कोई कहेगा प्रोटॉन, लेकिन व्हाट इज मीन बाय चार्ज। देखिए, चार्ज है, यहां पे हम लिखेंगे चार्ज। व्हाट इज मीन बाय चार्ज, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी द इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल, एनी मटीरियल विच इंफ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर बोथ ऑफ देम, इसको हम कहते हैं चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन भी इस तरह लिख सकते हो, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल विच रिपेल आर अट्रैक्ट द अदर मटीरियल, इसको भी हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं।
ये जो डिफिनेशन है देखो, ये आया है, बल्कि आया था एमडिकेट 2020 में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, इंटरनल है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच इन्फ्लुएंस विच एक्सपीरियंस विच फेल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या दोनों, इसको हम कहते हैं चार्ज। या दूसरा डिफिनेशन क्या है, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच रिपेल आर अट्रैक्ट द अदर मटेरियल इज नोन एज चार्ज। एक चीज इससे वाज़ह हो गया क्या, कि चार्ज ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। किस चीज का प्रॉपर्टी है, एनी मटेरियल का। मतलब ये नहीं है कि इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है, ठीक है, एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी हो सकता है। इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी किस तरह, जिस तरह मेरा आवाज आप लोग सुनते हो, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, मेरा इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं सुन सकता हूँ, ये मेरा इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से सुनता हूँ, ठीक है। मैं देख सकता हूँ, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका विजन, विजन जो है वो कम हो जाए तो फिर हम एक्सटर्नल जो है वो ग्लासेस जो है वो पहना लेते हैं कि यहाँ पे ये ले ले और वो चीजें जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से नजर आ जाएंगी, वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी मुझे। या आप नहीं सुन सकते, वो डिवाइस हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसके जरिए वो आवाज हम क्लियरली सुनते हैं, वो एक्सटर्नल है। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या बोथ ऑफ देम, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। समझ गए बात की। अब चार्ज का रिप्रेजेंटेशन क्या है, चार्ज का सिंबल क्या है, तो देखो सिंबल, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से हम डिनोट करते हैं या कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो ई नजर आ रहा है ये क्या है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। अब व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज किसे कहते हैं, तो लिखो यहां पे एलिमेंट्री चार्ज, द चार्ज पार्टिकल। अब हम पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है, द चार्ज, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं द चार्ज, लेकिन असल में पार्टिकल है, द चार्ज विच इजीली ट्रांसफर from one body to another body is called elementary charge। इसको हम क्या कहते हैं, elementary charge कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर elementary charge तो आपने सीखा, लेकिन एलिमेंट्री चार्ज कौन सा होगा, क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा या प्रोटॉन होगा, तो एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। नोट करें अपने साथ, दी या इस तरह लिखो, इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री चार्ज या एलिमेंट्री पार्टिकल, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आके। अब प्रोटॉन क्यों नहीं हो सकता, इसके साथ रीजन लिखो, बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीक एज कंपेयर्ड ऑफ प्रोटॉन, द न्यूक्लियर फोर्स, द न्यूक्लियर फोर्स on an
इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीक, बहुत जरा स्मॉल एस कंपेयर्ड ऑफ व्हिच प्रोटॉन. इस वजह से इलेक्ट्रॉन को हमने कंसिडर किया एज अ व्हाट एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, कि ये इजीली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कन्वर्ट होता है. क्लियर होगी बात. तो चार्ज क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, फिर एलिमेंट्री चार्ज क्या है, आपने यहां पर सीख लिया. अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल मतलब ये हुए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. हम लिखते हैं कि 1e, या पहले ये लिखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं इससे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वाज कैलकुलेटेड बाय फ्रैंकलिन. किसने कैलकुलेट किया था, फ्रैंकलिन. और किस चीज के बराबर है, तो 1e इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, ये आ गया कि 1e इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम. या इसको हम लिख सकते हैं कि 1e इज इक्वल टू 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम. लिख सकते हैं, यस, ये पॉइंट किस साइड पे लाए तो 10 पावर प्लस 1 होगा, और यहां पर माइनस 19 है तो 10 पावर 18 आ जाएगा. क्लियर हो गया बात. तो ये आ गया दूसरा फॉर्म. तीसरा फॉर्म हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1e is equal to 0.16 अपने जगह पर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं a2 into कूलम, क्योंकि आप लोगों को पता है a से मतलब है a2, और ये बराबर है 10 पावर माइनस 18 के बराबर. ठीक है, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं. ये क्यों हम लिखते हैं, बिकॉज ये एमसीक्यू में आते हैं. ठीक है, अब ये जो चार्ज मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी है और प्रोटॉन के लिए भी है. मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता. चार्ज का टॉपिक खत्म हो जाए तो फिर इसके बाद इस पे हम एमसीक्यूज पॉइंट्स भी लिखेंगे और एमसीक्यूज भी लिखेंगे. पहले यहां पे चार्ज को समझने की कोशिश करें. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, द स्टडी ऑफ चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, फिर चार्ज क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, एलिमेंट्री चार्ज क्या है, और मैग्नीट्यूड इसका क्या है. अब इस मैग्नीट्यूड में आप एक वर्ल्ड जो है वो देखते हो, सी. सी क्या है, ये कूलम है. यहां पर सी क्या है, सिंबल ऑफ द यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम. तो यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है, तो यहां पे लिखे यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ चार्ज, नॉट यूनिट ऑफ चार्ज. X से ज्यादा यूनिट्स है इसके. ठीक है, नंबर वन, एस आई या एस यू सिस्टम इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. क्या है, कूलम है, जो कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नंबर टू, इसका जो बेस यूनिट है, कौन सा यूनिट, बेस यूनिट. तो बेटा आपको पता है क्या पता है, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी.
तो क्यों बराबर होगा आई मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। अब क्यों क्या है कूलम, और यहां पर एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो एम्पेयर सेकंड इसका बेस यूनिट है, समझ आ रही बात की। अच्छा एम्पेयर सेकंड भी याद रखें, तो एम्पेयर सेकंड भी हो सकता है, देखो बहुत सिंपल, एम्पेयर सेकंड भी हो सकता है, एम्पेयर आवर भी हो सकता है, एम्पेयर डे भी हो सकता है, एंड एम्पेयर एयर भी हो सकता है। इन ये सब किस चीज का यूनिट है, ये है चार्ज का यूनिट, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज या चार्ज। क्लियर होगी बात, एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर आवर, एम्पेयर डे या एम्पेयर ईयर, क्लियर होगी बात। ये बेस यूनिट आ गया। अब नंबर थर्ड, CGS या गॉसियन यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज नंबर वन ESU। ESU क्या है, E का मतलब है इलेक्ट्रो, S का मतलब है स्टैटिक, और U का मतलब है यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। नंबर टू, अगर ये याद नहीं हो तो फ्रैंकलिन भी आ सकता है, ठीक है। या नंबर थ्री, ए बी कूलम भी आ सकता है, एब्सोल्यूट कूलम। तो तीनों याद करें, ईएसयू, फ्रैंकलिन या ए बी कूलम, क्लियर हो गई की बात। अब नंबर फोर पे आ जाइए, डायमेंशन पे, या डायमेंशन से पहले यहां पे रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन एस आई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो याद रखो एमसीक्यू के लिए कि वन कूलम में कितनी ईएसयू है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 ESU, या इस तरह भी हम लिख सकते कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 फ्रैंकलिन भी लिख सकते हो, या इस तरह भी लिख सकते हो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 AB कूलम, ये भी लिख सकते हो। प्रीफिक्सेस को आप छेड़ भी सकते हो, 10 पावर 9 बराबर है मेगा, ठीक है, तो मेगा ईएसयू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, प्रीफिक्सेस को छोड़े, यहां पे इसको याद रखें, या इसको छेड़ना है तो छेड़ो, 10 पावर 9 मेगा के बराबर है, ठीक है। ये 300 करे तो इससे बनेगा क्या, सॉरी ये गीगा के बराबर है, ठीक है। अगर ये 300 करे तो यहां पे बन जाएगा क्या, 10 पावर 7 हो जाएगा, या 3000 करें 10 पावर 6 हो जाएगा, तो 10 पावर 6 मेगा के बराबर है, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर, देख सकते हैं आप लोग, क्लियर हो गई ये बात। नाउ डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या है, व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन हमेशा के लिए हम बेस यूनिट से निकालते हैं, और बेस यूनिट ऑफ चार्ज यहां पर कौन सा है, एम्पेयर सेकंड है, जो क्यों इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी से हमने निकाला है, ठीक है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, तो एम्पेयर और सेकंड, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो एम्पेयर और सेकंड की जगह लिख सकते हो क्या, टी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं टी, ये सेकंड है टाइम के लिए, और एम्पेयर इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं आप लोग एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर वन, ए पावर वन। तो ये आगे क्या, डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या है। तो आज का लेक्चर हमारा था किस चीज पे, चार्ज पे। कमिंग लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह किस चीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्योंकि यहां पे हम कहते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज,
तो कौन से प्रॉपर्टीज है चार्ज के कि हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर में, और इसको फिर हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद हम जाएंगे आप लोगों के फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज कूलम्स लॉ। ठीक है, तो मुझे इजाजत दे दी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।